तो भैया, जैसे कि हमको पता है कि काफ़ी समय से हमारी गेमिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल सूना पड़ा था, यानी कि बंजर हो गई थी। कोई नई अपडेट नहीं आई थी, कोई नई चीज़ें आ ही नहीं रही थी, और जो पुराने प्रोजेक्ट थे वो तो और पे और डिले हो रहे थे। और हाँ, मालूम है मुझे कि डेड आइलैंड 2 रिलीज़ हो चुका है, लेकिन वो भी कुछ दिनों तक चर्चा में रहा और उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद एक पल के लिए तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि साला भस्मासुर में देख क्या रहा हूँ। मतलब 2 से 3 बार तो मैं खुद इसको रिचेक करने गया हूँ कि सच्ची में ये रियलिटी है। और ये मेरा ही हाल नहीं है, इंटरनेट पे भी बहुत ही सारे लोगों का यही हाल था, जो लोग इसको बोल रहे थे। अब तुम्हें से कई लोग पीछे से भौंक पड़ोगे कि क्या बात कर रहे हो, कुछ हमको भी बताओगे कि ऐसे ही अपने में खुद को मालूम है तो हम बोलते रहेंगे हमें मजा आ रहा है। नहीं तो मैं बताने बैठा हूँ यार। तो बात असल में यह है कि इंटरनेट पे कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया जो कि वायरल हो गया, जिससे बताया जा रहा था कि ये एक वीडियो गेम की फुटेज है जिसका नाम है अनरिकॉर्ड। लेकिन बाद में लोगों ने इसके ऊपर कन्फ्यूज़न और अपने अपने विचार रखे कि भैया इतना रियलिस्टिक तो कोई गेम हो ही नहीं सकता, तो शायद से ये प्री अल्फा, प्री बीटा, गामा, थीटा इन सब की स्टेज में रहा होगा, और ये कोई क्या कहते हैं जैसे कि सिनेमैटिक वीडियो है, उसका शॉट ये लोग दिखा रहे हैं और हमें चूतिया बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद डेवलपर खुद अपने हाथ खोल के आए, अरे चिंता मत करो, अप्रैल फूल नहीं बना रहे तुम तो, समझे, ये लो असली गेम प्ले फुटेज, अब ये लो हमारे स्क्रीन पे हम वीडियो गेम को खेल रहे हैं, उसको देख लो। और उसको देखने के बाद भी जिन लोगों को नहीं यकीन हो रहा है तो थोड़ा सोचो, दिमाग में जोर डालो, पढ़ो, क्योंकि अनरियल इंजन 5 आ गया है भैया। उसकी मदद से लोग और भी बहुत ही धमाकेदार चीज़ें बना सकते हैं। हमने तो बस एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वीडियो गेम की एक फुटेज बनाई है। और बस बात ये नहीं है कि इस वीडियो गेम के जो ग्राफिक हैं वो हद से ज़्यादा रियल लगते हैं, कन्फ्यूज़न इस बात का भी है क्योंकि ये वीडियो गेम का जो कैमरा एंगल है वो नॉर्मल FPS गेम्स की तरह नहीं रखा गया है। इस गेम का जो कैमरा एंगल है वो ऐसा रखा गया है जैसे कि रियल में अगर कोई बंदा अपनी खोपड़ी या फिर हेलमेट के ऊपर कैमरा लगा के रियल लाइफ में जो हरकतें करता है वैसा ही तुम्हें इस गेम के अंदर दिख रहा है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रियल लगने लगता है, क्योंकि जिस कैमरा एंगल में हम इस गेम का आनंद लेते हैं उसी कैमरा एंगल में हम लोगों ने कई सारे हादसों को होते हुए अपनी रियल जिंदगी में देखा है। तो शायद से तुम लोगों ने कभी इंटरनेट पे ऐसी फुटेज देखी होगी जो कि हालांकि नॉर्मली कभी कभार आ जाती है, जिसमें एक पुलिस वाला अपनी खोपड़ी के ऊपर कैमरा लगाए हुए जाके टेररिस्ट को मार रहा है। मतलब मारने वाला सीन ना ही देखो तो ज़्यादा अच्छा है, दिमाग के ऊपर ट्रामा पड़ जाएगा। तो इससे पहले अब इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ बताएं, पहले हम मेन वीडियो गेम के बारे में बता देते हैं कि एक FPS सिंगल प्लेयर गेम होने वाला है जिसकी स्टोरी एक पुलिस ऑफिसर के अराउंड घूमेगी, जो कि नॉर्मली एक कॉम्प्लेक्स केस को सॉल्व कर रहा होगा, और उसके अंदर तुम लोग डिटेक्टिव वाली हरकतों का इस्तेमाल करोगे। और इन लोगों ने बताया है, डेवलपर ने, कि ये जो गेम होने वाला है ये पूरा का पूरा बेस होने वाला है जैसे कि कोई क्राइम सस्पेंस मूवी वगैरह में होता है या फिर उसकी नॉवल वगैरह में होता है। तो ये बता रहे हैं कि वैसी ही स्टोरी इनका ये गेम अडेप्ट करने वाला है। और कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद से ये कोई सिमुलेशन गेम हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई सिमुलेशन गेम तो होने नहीं वाला है, ये प्योर एक स्टोरी बेस होगा जिसके अंदर बतौर तुम पुलिस वाले की जिंदगी जियोगे, जिसके अंदर हमें कई सारे RPG एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं गेम के अंदर, जहां पे सवाल पूछता है अलग अलग तरीके से। और RPG एलिमेंट के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ज्यादा तुम लोगों ने खेल रखे होंगे और तुम्हें पता होगा। तो थोड़ा बहुत इस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जिसने इतना भयंकर विस्फोटक पदार्थ हमारे सामने लाया है। तो इस कंपनी का नाम है ड्रामा, जो कि एक इंडिपेंडेंट फ्रेंच वीडियो गेम स्टूडियो है जिसको थियो हिरीबेर ने बनाया था, जो कि अभी कंपनी के CEO भी हैं, साथ में डिजाइनर, राइटर और म्यूजिशियन भी हैं। और इन्हीं के साथ दो लोग और हैं इनकी टीम में, जैसे कि एक भैया जी का नाम है अलेक्जेंडर स्पेंडर, जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर और लीड प्रोग्रामर भी है। और उसी के साथ इनकी टीम में एक और इंसान है जिनका नाम है मिकेल इवांगेलिस्टा, जो कि लेवल डिजाइनर और एनवायरमेंटल आर्टिस्ट हैं। और तुम में से कई सारे लोग ऐसे हो गए जिनको इन सब शब्दों का मतलब ही नहीं पता होगा, क्या लेवल डिजाइनर, क्या एनवायरमेंटल आर्टिस्ट, क्या है ये सब फलाना ढिमकाना। तो तुम लोग अगर चाहो तो मैं उन सारी चीजों के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, बस तुम्हें नीचे एक कमेंट डालना है, एक कमेंट, छोटा सा, बस एक, ठीक है। तो जो इस गेम के हाइपर सुपर अल्ट्रा रियलिस्टिक फ्यूचरिस्टिक ग्राफिक जो होने वाले हैं, जो कि इस गेम की मेन आकर्षण है, वही एक समय के लिए इस गेम के प्रति चिंताजनक भी बन जाते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इतने बढ़िया ग्राफिक होने से मतलब इसमें चिंता क्या है भैया, इससे तो मतलब मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल समझ ही नहीं पता चलेगा कि रियल क्या है और वर्चुअल क्या। और यही बात सबसे गहरी चिंता का विषय है,
क्योंकि वीडियो गेम्स मैक्सिमम बच्चे खेलते हैं, और अगर कोई ऐसा गेम कोई बच्चा खेले तो वो डेफिनेटली ट्रॉमा में जा सकता है, क्योंकि इसमें जो किलिंग्स होती हैं वो काफ़ी रियल फील लगती हैं। मतलब इसके अंदर लग रहा है कि लिटरली तुम सही में किसी बंदे की जान ले रहे हो। और इस फुटेज के अंदर कई जगह पे जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसकी फोटो यानी कि उसका जो चेहरा होता है वो ब्लर कर दिया जाता है, और कई बार असली वीडियोज़ में भी जिसमें किलिंग होती है उसमें भी ऐसा दिखाया जाता है। क्योंकि अगर अभी भी तुम इस वीडियो को किसी अपने दोस्त या फिर किसी भी भाई बंधु मित्र सखा यार को दिखाते हो तो उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ये रियल नहीं लगेगा। तो हो भी सकता है कि शायद से फ्यूचर में इसका लोगों के खोपड़ी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बेकार इम्पैक्ट पड़ जाए जिससे लोग थोड़े बौराव आ जाएं, लेकिन अभी के लिए तो तुम मौज कर सकते हो कि हाँ भैया कोई दमदार चीज़ आई है जिसको सिर्फ 3 लोगों की टीम ने तैयार किया है, और जहाँ हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रॉकस्टार, यूबीसॉफ्ट भैया छपरे बैठ के दोनों लोग आपस में ताश खेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? पवन। उम्र क्या है? 15। अभी से आप ताश खेल रहे हैं? हाँ, घर पे दिक्कतें तो कमाना पड़ता है। घर पे दिक्कत है तो ताश खेलते हैं, वाह क्या बात है। घर वाले मना नहीं करते आप? नहीं, पापा उधर खेल ले, मैं इधर खेल लूं।